राज्यसभा में हाल अमित शाह संबोधन कर रहा है, सीधा जैसू त्या। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर वी फिनेसबुद्ध। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं भाषण को जहां पर छोड़ा था वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि कुल मिलाकर विगत कुछ सालों के राजनीतिक परिदृश्य पर हम निगाह डालते हैं तो ध्यान में आता है कि देश में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार। हाल राज्यसभा में अमित शाह संबोधन कर रहा है, ओवैसी पर थे हुमला मामले अमित शाह द्वारा निवेदन आप। राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे निवेदन आप, ओवैसी पर थे हुमला मामले अमित शाहे निवेदन आप। अमित शाहे संबोधन कर राज्यसभा में। तो ओवैसी ने सुरक्षा आपवा माटे केंद्र ने आदेश आपवामां आव्या छे। ओवैसी ने सुरक्षा में वधारो करवामां आव्यो छे। राज्यसभा में अमित शाह संबोधन करी रहा था। राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह